रियली फील ऑनर्ड कि ब्लिसफुल इंडिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है एंड इट्स स्पेशल डे फॉर मी. एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है एंड दिस एनकरेजमेंट फॉर आवर एक्टर. थैंक यू सो मच. आप मुझे देख सकते हैं क्यों उत्थे दिल छोड़ आए सोनी पे, सोनी टेलीविजन पे मंडे टू फ्राइडे 9 PM. और इसमें मेरा जो कैरेक्टर है बिंदु करके है जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर अनलाइक द कैरेक्टर ऑफ परी भारद्वाज जो मैंने ससुराल सिमरका में किया था और मैंने बहुत सारी बदमाशियाँ की थी. इस बार बदमाशियाँ करने नहीं मिल रही है, इस बार बहुत ही सिंपल स्वीट एंड लविंग कैरेक्टर है. आप लोग ज़रूर देखिएगा. बिग बॉस कभी कभी फॉलो कर. बिग बॉस ओटीटी जो अभी शुरू हुआ है कुछ इस बार मुझे लगता है कुछ अलग होने वाला है. ओटीटी का डबल मीनिंग होता है. ओटीटी मतलब ओवर द टॉप भी होता है. सो लेट्स सी, इस बार बहुत एक्साइटमेंट है कि इतना क्या ओवर द टॉप होने वाला है. एक्चुअली मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है क्योंकि बिग बॉस मैंने ज़रूर फॉलो किया है आज तक, लेकिन बिग बॉस में मैं कितना मतलब कितने अच्छे से मैं एक कंटेंडर बन के टिक पाऊंगी. और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत गंद मच जाती है. सो पर्सनली आई एम अ वेरी सटल पर्सन, मतलब आई कॉन्ट टेक अब्यूज. सो मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उस चीज़ को ले पाऊंगी, बट येस अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में. जी सिमर ससुराल सिमर का ऑब्वियसली मैंने 7 साल किया है. 7 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड. तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला है. इट इज़ टिल डेट मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ससुराल सिमर का. और अभी भी मैं जहाँ जाती हूँ मुझे परी के नाम से लोग पहचानते हैं. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.